के साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर, फिरोजाबाद गौवंश की पीट पीट कर हत्या की गई। खेत में जाने से नाराज व्यक्ति ने की बछड़े की हत्या। जी हां, बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन के अधिकारी, गौ रक्षा के राष्ट्रीय सलाहकार ने कराई रिपोर्ट दर्ज। फिरोजाबाद जिले के दिखतौली गाँव में खेत में गौवंश से नाराज व्यक्ति ने की पीट पीट कर हत्या। ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना मिलते ही गांव में पुलिस और प्रशासन ने नायब तहसीलदार अवनीश कुमार मौके पर वे पहुंचे और आरोपी फरार हो गया। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने चिकित्सक को बुलाकर पोस्टमार्टम कराया। गौ रक्षा के राष्ट्रीय सलाहकार अशोक राजपूत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अर्जुन, क्या घटना हुई यहाँ? ये निजामुद्दीन पप्पू खेत में से रौंद के ला रहे थे, दूसरा खेत में घुस गया तो उन पर रुक नहीं रहा था, तो उन्होंने ईंटों से मारा तीनों बाप बेटों में घेर के। कहाँ पर मारा है ये? कभी मारा है टावर के पास, कभी कूद रहा था यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मर गया, उसके नाक में से खून निकल रहा था, सबरी से। किस किस से मारा? डंडे से मारा? डंडे थे, ईंट थी, डंडा तो अभी डला होगा वहाँ पर। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, सही बात है। शायद दिखतौली गाँव से मेरे पास फोन गया कि एक गौवंश जो है बाजरे खेत में घुस गया है, तो इसी गांव के निजामुद्दीन और पप्पू ने और उनके लड़कों ने इस गौवंश को मारपीट की लाठी डंडों से और ये इसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग इसको जो है इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पुलिस भी आ गई है, नायब तहसीलदार साहब आए हैं। मैंने DM साहब को फ़ोन करके अवगत कराया। DM साहब ने शुगावाद SDM को कहा, तो शुगावाद SDM से मतलब उन्होंने मुझे बताया, मतलब जो नायब साहब पहुँच रहे हैं, तब तक मतलब इंस्पेक्टर साहब, सुखावाद इंस्पेक्टर साहब का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को भेज करके इसकी कार्रवाई करवा रहा हूँ। यहाँ पे ग्राम दखतौली में एक गौवंश के मरने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस बल मौजूद है और शिकायतकर्ता ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं गौवंश का, तो पशु चिकित्सक को सूचित कर दिया गया है, वो आ भी गए और इसके बाद मतलब उसका जो भी होगी वो जांच से सामने आ जाएगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है गौवंश को पीट पीट के मार दिया है। हाँ, ये सूचना मिली, अभी पूछताछ हुई तो गौवंश को पीट के मारा गया, लेकिन ये अभी पोस्टमार्टम होगा तो स्पष्ट हो जाएगा। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CB मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद, शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। हाँ बीबी, कहाँ हो तुम? हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा। उमा है ना? उमा? माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं।
24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। देखा, मैंने कहा था।